हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल कुकिंग विद इंदु में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं फिर से लेके आई हूँ बच्चों के लिए झटपट रेसिपी। यह है बर्गर। एक बार आपने इसे बनाया, पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए, देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी। बिल्कुल इजी है, झटपट बनके तैयार होता है। अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो आप मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए थे, उसे मैश कर लिया है। ये 6 मीडियम आलू थे, आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है आप बना सकते हैं। इस आलू में मैं यहाँ पर 5 से 6 टिकियाँ बनाऊंगी, तो मैं इसे अच्छी तरह स्मैश कर लेती हूँ, यहाँ मैंने कांदा लिया है बारीक कटा हुआ, कैप्सिकम लिया है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है, और उबले हुए कॉर्न है। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो चलेगा, आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें सब्जियां ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब थोड़ा इसमें स्पाइस यानी मसाला डालूंगी। तो मसाले में मैं सबसे पहले लूंगी रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही ये आधा छोटा चम्मच मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बस इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा काली मिरी डाल सकते हैं, काली मिरी जब मैं इसका सॉस तैयार करूंगी उस वक्त डालूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। जितना बड़ा आपका बर्गर का बन है आप उसके हिसाब से टिक्कियाँ बनाइए। तो मैं यहाँ पर इतनी बड़ी टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो टिक्कियाँ देखिए, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, जिस तरह आपको मैकडॉनल्ड्स में मिलती है बस उसी तरह। तो यहाँ पर 6 मीडियम आलू में मैंने 6 टिक्कियाँ बना ली है। तो देखिए, अब मैं बनाती हूँ इसको कोट करने के लिए। यहाँ पर लिया है मैंने 3/4 कप मैदा, जितना मैदा हो उतना ही कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर डालने से ये क्रिस्पी होता है और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं अब इसका एक घोल तैयार कर लेती हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ध्यान दीजिए कि आपने आलू में भी नमक डाला था। तो मैं इसे अच्छी तरह घोल लेती हूँ। यहाँ पर इसका मैं पतला घोल तैयार कर लूंगी, इसे ज्यादा थिक नहीं रखना है, बस पतला कि जो आलू को ऊपर से कोट कर ले और जब हम ब्रेड क्रम्स लगाए तो उसमें वो अच्छी तरह चिपक जाए। तो देखिए, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये हमारा घोल रेडी है। यहाँ पर मैं लूंगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को मैंने 2 प्लेट में इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं एक यूज करूंगी तो दूसरा मेरा ड्राई रहेगा। अगर मैं सब साथ में यूज करूंगी तो सारे नरम पड़ जाएंगे, तो जो मैं अगले दूसरे तीसरे टिक्की को कोट करूंगी तो वो प्रॉपरली कोट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, घोल रेडी है। मैं आपको 2 ट्रिक से बताऊंगी। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, टिक्कियों को इस तरह डिप कर लिया है। डिप करने के बाद इसे निकाल कर देखिए, आप देख सकते हैं घोल कितना पतला है, बस इतना ही पतला होना चाहिए। इसे पूरा चारों तरफ से मुझे कोट करना है। इस तरह इसके बॉर्डर्स को भी मैं अच्छी तरह कोट कर लूंगी। जितना ये अच्छा कोटिंग होगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। देखिए, कोटिंग इसकी रेडी हो चुकी है। मैंने इसे देखिए चम्मच से इसके ऊपर डबल कोटिंग कर रही हूँ। तो चम्मच से भी मैंने ये घोल ऊपर डाल लिया है। अब मैं फिर से इसे ब्रेड क्रम्स में डीप करके इस तरह कोट कर लूंगी। तो ये हमारा टिक्की रेडी है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरा एक तरीका आपको बता देती हूँ, आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक तरह ही है, बिल्कुल थोड़ा सा बस फर्क है। देखिए, इसे भी मैंने सेम उसी तरह डीप कर लिया है। अब मैं इसे घोल से बाहर निकाल के इस पे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह कोट कर लेती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने चम्मच से उसे ऊपर से कोट किया था, अब इस वक्त मैं इसे क्या करूंगी, इसे देखिए इस तरह लेके फिर से इसमें डीप कर लूंगी, यानी मैंने इसे 2 टाइम डीप कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आलू ज्यादा गीला हो गया तो आप उसे चम्मच से ऊपर कोट कीजिए। देखिए, इस तरह मैं सारी टिक्कियां रेडी कर लूंगी। तो देखिए, हमारी टिक्कियां ये रेडी हो गई है। चलते हैं तेल की तरफ। तेल मैंने यहाँ पे गरम करके लिया है, मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है। हाई फ्लेम पे ही आपको इसे क्रिस्प करना है। क्रिस्प करने के लिए यहाँ पर मुझे बस 3-4 मिनट लगे हैं। जैसे ये ब्राउन हो जाए आप इसे निकाल दीजिए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम नहीं किया है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना, बस इसी तरह मैं इसे हाई फ्लेम पे, इस तरह मैं इसके ऊपर भी तेल डाल डाल के इसे अच्छी तरह पूरा टिक्कियों को सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो बर्गर का बन है मैं उसको सेकने के लिए यहाँ बटर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी सेक सकते, लेकिन सेकने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसे देखिए आधे सेकेंड के लिए इस तरह बटर लगा के
बन को इस तरह सेक लिया है। बस ये भी रेडी हो गया, हमारा बन भी रेडी है और हमारी टिक्कियां भी रेडी है। तो देखिए यहाँ पर टिक्कियों को मैंने क्या किया है, टिश्यू पेपर में उसका एक्सेस ऑयल को निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ सॉस। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है मेयोनीज, मेयोनीज मैंने होममेड बनाया था, और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप, आप चाहिए तो चिली सॉस भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जितना मेयोनीज है उसका आधा मैंने यहाँ पर एक केचप लिया है, इसे अच्छी तरह मिला लूंगी और ये रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल मैकडोनल्ड्स की तरह सॉस लग रहा है ना, देखने में क्या जी, खाने में भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं अब इसमें डालूंगी काली मिरी, आप चाहिए तो आलू में भी डाल सकते थे पर मैंने सॉस में डाला है। तो अभी हमारा सॉस रेडी है। अब मैंने देखिए यहाँ पर बन लिया, यहाँ पर मैंने चीज लिया है, कांदा लिया है, ये गोभी की पत्तियां हैं पत्ता गोभी की, और ये यहाँ पे टमाटर लिया है। मैंने सारे कच्चे जो वेजिटेबल थे उनको एक मिनट माइक्रोवेव कर लिया था, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कच्ची सब्जियां नहीं खानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं बन पे मैंने सॉस लगा दिया है, और ये कांदा, ये टमाटर, आप इसे जैसा चाहे उसे डेकोरेट कर सकते हैं, इसपे ऊपर से सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर ये इसमें मेयोनीज में भी सॉस था और सब में सॉल्ट था, इसलिए मैंने ऊपर से सॉल्ट नहीं डाला है। और ये मैंने गर्मा गर्म टिक्कियां रख दी, ऊपर से थोड़ा सा और मैं सॉस डाल देती हूँ। अब मैंने इस पे जो ये होममेड चीज था ये रखा है, आप चाहिए तो नॉर्मल जो बाहर का चीज स्लाइस है वो भी रख सकते हैं, और ये मैंने गोभी की पत्तियों को भी रख दिया। तो देखिए कितना बढ़िया देसी बर्गर तैयार है ना खाने के लिए, और सच मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। आप इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आपकी कोई रेसिपी, कोई डिमांडिंग रेसिपी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर आपको वो बना के दिखाऊंगी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, तो एक प्लीज लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको फिर कोई अच्छी रेसिपी के साथ। बाय बाय।